वेलकम टू माई सिंगापुर होम। तो ये है एक कॉन्डोमिनियम। यहाँ पे सिंगापुर में दो टाइप के घर होते हैं, कॉन्डोमिनियम एक एचडीबी। कॉन्डोमिनियम जो कि प्राइवेट घर होते हैं, प्राइवेट अपार्टमेंट्स होते हैं, और एचडीबी जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये है एक प्राइवेट अपार्टमेंट जो कि कॉन्डोमिनियम कहा जाता है। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना हमारे घर का एक टूर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 1 ईयर स्पेंड कर चुके हैं, बहुत सारी मेमोरीज बना चुके हैं। तो आइए घर का टूर लेते हैं। तो ये एंटर करते हुए यहाँ पे मेरा एक छोटा सा किचन है, यहाँ पे स्टोरेज एरिया बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे क्लीनिंग एरिया है, ये वॉशिंग मशीन, ये ड्रायर इसीलिए क्योंकि बारिश में यहाँ पे सिंगापुर में दो तरह के मौसम होते हैं, एक गर्मी और एक बारिश। बारिश तो हर दिन ही होती है, तो यहाँ पे कपड़े सुखाने में थोड़ा दिक्कत होता है अगर, तो हम लोग ड्रायर में डाल के आराम से सुखा सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। दिस इज द सिंक, दिस इज द माइक्रो ओवन, यहाँ पे मिक्सर, राइस कुकर, सारी जरूरत की चीजें मेरे किचन में है। ये है रेफ्रिजरेटर, और एक बार देख लीजिए मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन। तो किचन टूर के बाद चलते हैं इस साइड में जहाँ की है हमारा एक प्यारा सा डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल मैं बस यहाँ पे सजावट की चीजें रखी हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कभी खाना नहीं खाते, दैट्स बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर्स भी नहीं डाले हैं। सनी इसके उस चेयर्स के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर आ जाता है, तो इट्स एक्चुअली डेंजरस फॉर हिम। वो पता नहीं, हम लोग अगर ध्यान भटक जाए कभी ये गिर जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेयर भी नहीं डाले हैं। तो पर या मुझे ये टेबल बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे है मेरा टीवी, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारे छोटे मास्टर का कार्टून ही चल रहा है। और ये देखिए हमारे मास्टर सोफा के ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टीवी चल रहा है बट ये मोबाइल में बिजी है। सनी सबको हाय बोलो, से हाय। ठीक है, तो ये टीवी और सोफा के एरिया के बाद आते हैं यहाँ पे हमारे बालकनी में काम। ये देखिए बालकनी में बड़ा प्यारा व्यू है, और आप ये देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये है एचडीबी, ये है हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, मैंने अभी आपको बोला था। और नीचे आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ पे मेट्रो जारी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमको सुविधा मिला है, यहाँ पे नीचे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे बस स्टॉप भी अवेलेबल है, तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है हम लोग के लिए, कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। एक्चुअली सिंगापुर में यहाँ पे मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या फिर मेट्रो में या फिर बस में, टैक्सी अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो टैक्सी। तो यस, ये था मेरा बालकनी। तो बालकनी एरिया के बाद चलते हैं अंदर। ये है एक छोटा सा स्टोरेज एरिया जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, और ये ब्रूम स्टिक्स हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ही है पर उतना सामान नहीं लगेगा यहाँ पे, तो बस हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वाला राउटर लगाए हैं, और बस ब्रूम स्टिक्स ही मोप है यहाँ पे। तो अंदर आते हुए इस तरफ है मेरे हस्बैंड का रूम, मतलब उनका ऑफिस रूम, जो कि हम माँ बेटे को अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो कम से कम बोल सकते हैं 24 घंटे से 20 घंटे यहीं पे ही रहते हैं। तो हाँ, तो ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस टेबल, ये है छोटा सा बेड, और ये देखिए प्यारा नज़ारा। यहाँ पे ऑफिस काम करते करते अगर ये प्यारा नज़ारा मिल जाए तो बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पे इस साइड में है एक और बड़ा स्टोरेज एरिया। तो ये रहा एक छोटा सा
रूम जो कि ऑफिस रूम के लिए परफेक्ट है। एक प्यारा सा टूर फिर से मैं दे रही हूँ आपको। तो आइए, यहाँ पे है मिरर एंड द वॉश बेसिन एरिया। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज इस टाइप का मिरर जो कि एक स्टोरेज है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो स्टोरेज के काम भी आ जाता है और मिरर के काम भी। तो यस, और इस तरफ है छोटा सा बाथरूम जो कि ऐसा दिखता है। यहाँ पे छोटा सा है पर आई थिंक इट्स क्वाइट सफिशियंट। तो हाँ, तो अभी चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। आइए। तो हाँ, ये है मास्टर बेडरूम। ये मुझे बहुत ही प्यारा है क्योंकि बहुत ही स्पेशियस है, बड़ा है ये रूम। और यहाँ पे भी देखिए कितने सारे स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और इसे कैसे भूल सकते हैं, ये घर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, भगवान जी का एरिया। इनके लिए स्पेसिफिकली एक्चुअली यहाँ पे उतना रैक्स नहीं है तो इसीलिए पूरा एरिया मैंने यहाँ पे भगवान जी को ही रखा है। यहाँ पे कुछ भी इसीलिए ड्रेस नहीं टंगाया है। तो ये रहा मेरे कान्हा जी। बाद ये है हमारा बेड जो कि एक क्वीन साइज बेड है। और ये एक स्पेशल फ्रेंड है सनी का बिकॉज इसको मैं, आपको पता होगा क्लॉइंग गेम जो होता है, क्लॉइंग मशीन होता है, बहुत सारे टॉयज होते हैं एक ग्लास के अंदर, तो वो कॉइन डाल के क्लॉइंग मशीन को ऑपरेट करके एक टॉयज उठाते हैं। तो इसे मैंने फर्स्ट टाइम वैसे ही उठाया था और लाया था सनी के लिए। मुझे लगा सनी को पसंद आएगा कि नहीं, पर उस दिन से आज तक वो हमेशा जब भी सोता है बोलता है कि वेयर इज माई टर्टल। तो उसको हग करके सोता है, उसको कुछ भी होता है अगर बोलता है कि टर्टल हैज अ बू बू, प्लीज अप्लाई सम मॉइस्चराइजर। उसका बहुत ही केयर करता है सनी, तो ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आयन एरिया और इस तरफ है बड़ा सा बालकनी। मुझे इस जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये है हमारा मास्टरपीस यू कैन से। ये देखिए नजारा, अभी अभी जस्ट बारिश होके रुकी है तो ऊपर के बादल आप देख सकते होंगे। यहाँ पे हम लोग जब शाम होती है तब यहाँ पे हम तीनों बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा लगता है, इतना रिफ्रेशिंग लगता है यहाँ पे, हवा अच्छी आती है और बहुत ही अच्छी मेमोरीज होती है यहाँ पे। तो ये है एक टेबल जहाँ पे मेरे हस्बैंड अगर कुछ बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे चेयर डाल के वो पढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं सनी के कार और ट्राईसाइकिल, और जब भी उसका मन करता है यहाँ पे आके साइकिल चलाने का वो यहीं पे आके अपने कार और साइकिल के साथ खेलता है। अभी बारिश हो गई है तो ये सब गीला है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा बालकनी है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे अगर एक झूला भी लग गया होता तो बहुत ही, वो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता, बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है ये बिल्डिंग जो है 50 फ्लोर्स का है, आप ये ऊपर में देख सकते हैं कितना हाई राइज है, ये देख सकते हैं। देखा आपने, वाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक पूल है जो कि है चिल्ड्रंस पूल, ये कि छोटे बच्चों का पूल है ये। और बिल्डिंग के पीछे साइड में
वी हैव अ पूल फॉर अडल्ट और वहां पे है बैडमिंटन कोर्ट, आप देख सकते हैं दैट इज द बैडमिंटन कोर्ट एंड वहां पे है चाइल्ड प्ले एरिया। वो एक मेट्रो का लाइन देख रहे हैं, मेट्रो के लाइन के नीचे है चाइल्ड एरिया, चाइल्ड प्ले एरिया है वहां पे। और ये बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा चाइनीज टेम्पल है, हालांकि हम कभी वहां पे गए नहीं है पर वहां पे एक दिन हम लोग जरूर जाएंगे। वो देखिए वहां पे आप देख सकते हैं, वो एक छोटा सा चाइनीज टेम्पल है। और जब चाइनीज न्यू ईयर होता है या फिर इन लोग का कुछ भी ओकेजन होता है तो वहां पे ड्रैगन डांस तो मस्ट है और देखने को बड़ा ही प्यारा लगता है। वो उनका कल्चर, उनका डांस बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये होम टूर देने का एक और भी रीज़न है कि हम जल्द ही दूसरे घर में शिफ्ट करने वाले हैं और मैं चाहती थी इस घर का एक वीडियो बना दूं जो कि हमेशा मेरी मेमोरीज में रहे। जब कभी भी मन हो आई कैन जस्ट गो बैक एंड वॉच दिस वीडियोज। तो हाँ, तो ये भी मेरा एक मोटिव था कि होम टूर भी इसी की वजह से मैंने दिया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये घर आपको कैसा लगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस कॉन्डोमिनियम में। चलिए, and the facilities will be covered in the next part of the video and see abhi main aapko chinese temple unke festivals ki baat kar rahi thi and suddenly mera kismat dekhiye abhi festival shayad hai don't know exactly but ye log sab ja rahe hain temple aur ye dekhiye dragon wow let's see kya hota hai yahan pe। अगर आपको मेरे होम टूर का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं इस होम टूर के पार्ट 2 के साथ जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।